ये चैलेंज हमारा कि हमने पूरी रात हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है। ये क्या यार जनाब, हम मस्जिद आए हैं यहाँ पे ताला लगा हुआ है। यहाँ नहीं, ये मुसलमान हो रहा है जी। ये वजू देने वाली है जात अल्लाह की, पर दिलाना हाँ पर दिलाना मेरे हुजूर का है, पर दिलाना जी। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सभी भाई व्लॉग्स। जी तो क्या हाल चाल है आप सब का, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से शब मेराज की रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब आज का ये सीन होने वाला है व्लॉग में, आप लोग कह रहे हो कि व्लॉग स्टार्ट कैसे हुआ है। तो जनाब आप लोगों को बताता चलूँ, ये जितने भी चैलेंज हो रहे हैं, यस टू सिस्टर, यस टू ब्रदर, प्रैंक ऑन ये वो वगैरह वगैरह, ये सब एक तरफ, लेकिन जो आज का चैलेंज होने वाला है ना वो बहुत हट के होने वाला है सबसे, क्योंकि आज है भी शब मेराज की रात और आज पूरी रात हमारा ये चैलेंज होगा कि हमने अपनी तरफ से कोशिश करनी है, कोशिश नहीं बल्कि चैलेंज है, हमने ये चैलेंज है हमारा कि हमने पूरी रात हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है, ठीक है। और अपने तमाम जितने भी गुनाह हैं, गुनाह किए हुए हमने, हमें पहाम भी यार कोई बंदा भी ठीक नहीं होता है यार, कोई बंदा भी ठीक नहीं होता है, इंशाल्लाह सारे गुनाह माफ़ करवा के आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो खैर अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लें, और साथ जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले डेली व्लॉग्स के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और अगर नहीं दबाएंगे तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पर कौन सा व्लॉग आ रहा है। तो जल्दी से जाएँ और सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। तो यार चैलेंज आज का बड़ा मज़े का होने वाला है, क्योंकि हम आज पूरी रात हमने मस्जिद के अंदर गुजारनी है, ठीक है, वहाँ पे जाके इबादत करनी है अल्लाह ताला की। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि भाई हम इस्लाम से बहुत दूर जा रहे हैं। तो चलें बाकी बातें बाद में करते हैं और चलें स्टार्ट करते हैं आज का चैलेंज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर जी, तो जनाब हमने अपने दोस्त को पिक कर लिया है, अब इसी के साथ हम इंशाल्लाह पूरी रात इबादत करेंगे। तो अभी यार हम आए मस्जिद में, यहाँ पे महफिल हो रही है, मैं महफिल पढ़ के फिर नमाज वमाज पढ़ के उसके बाद इबादत करेंगे। ये हमारा चैलेंज है भाई, आज पूरी रात इंशाल्लाह सुबह फजर टाइम हमें वापस जाना है और आपको दिखाएंगे, ठीक है सर जी? ठीक हो गया जी, ठीक है जनाब। तो अभी महफिल भी चलते हैं, वहाँ पर जाके आपसे फिर दिखाते हैं आपको सारा कुछ। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई तकलीफ नहीं दी, बीमारी नहीं है, तो चल के कदमों के साथ नमाज पढ़ने जाना। और तीसरा फरमाया घर में बैठकर या मस्जिद में बैठकर नमाज के वक्त का इंतजार करना कि कब वक्त हो और मैं अल्लाह के सामने झुक जाऊं। इस इंतजार में बैठना कि वो वक्त आए और मैं नमाज पढ़ूं, वक्त नहीं हो रहा नमाज का, पता नहीं कब वक्त होगा नमाज का, पर मैं जो इस सोच में रहता है अल्लाह तबारक व तआला उसको बख्श देता है। बेसब्री बड़ी दिल नो है, बेसब्री बड़ी दिल नो, दुआ मंगियो सब्र आवे। जे दरिना की नेमत नसीब फरमा, बोला जिनको तूने औलाद अता की है औलाद को वालिदैन का फरमा बरदार बना। अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया हुआ है हमने, बाकी लोगों का रखाते हैं, उसके बाद फिर हम इबादत का सिलसिला शुरू करते हैं जो कि हमारा आज का चैलेंज है। डन हो गया। और दानियाल भाई ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ये क्या यार जनाब, हम मस्जिद आए हैं यहाँ पे ताला लगा हुआ है, अब क्या सीन है शानी भाई? यार शहर चलते हैं हमेशा वाली मस्जिद में, शहर जाना है, ठीक है हसन भाई। सरगोधा सिटी की बड़ी खूबसूरत मस्जिद है जो हम पीर अहमद अली शाह मस्जिद है, अच्छा चलते हैं जा वहां पे इबादत करते हैं, ठीक है। तो वहां पे चलते हैं, वहां पे फिर वापस जाके आपको सीन पढ़ दूंगा। यस यस ब्रो, यस ब्रो, एदी शक्ल ए देख ले, देख लो था नहीं जी मैं, बस 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 अच्छा जी रहना दी, नहीं नहीं यार बहुत अच्छा आदमी।
देखें हामिशा की मस्जिद, ये यहाँ पे सबसे बड़ी मस्जिद यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने करनी बात वगैरह और बताया आप मुझे चैलेंज है, पूरी रात हमने इंशाल्लाह यहाँ पे हमने ये बात वगैरह करनी है, तो आप भी साथ से नहीं जाएंगे, ठीक हो गया। फ्लैश कोई नहीं आना, ये मुसलमान हो रहा है जी, ये वजू कर रही हैं माशाल्लाह। सही भाई कल में सुनना यार, सुनाओ। आऊज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, ये यार हमारे बड़ों ने कहा है ऐसे, पहले आऊज़ बिल्लाह पढ़ते हैं फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा कल कलमा सुना, कलमा सुना। पहला कलमा था ये, अब तो ये मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं क्या पढ़ दोबारा पढ़। पहला कलमा था ये, अब तो ये मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होता है। सुनिया कर मिलाद नबी दा, पढ़िया कर मिलाद।
फरिश्ते करते न काम ते काज नबी फरिश्ते करते काम ते काज नबी दा नबी दा अहले स्टेज ने नजम जुमला करता पे अकेला काफी साहिब अरशां ते ना लैन नबी दी अरशां ते ना लैन नबी दी अरशां ते ना लैन नबी दी दो जग ते है राज नबी दा नबियां दे सरताज नबी दा अरशां ते ना लैन नबी दी किथे हो सी ताज नबी दा हम इबादत से फारिग हो गए हम लोग और अब हम यहाँ पे आए हैं चाय पीने के लिए आप लोग चेक करें दोस्तों के साथ हमारे भाई ना खान भाई हसन भाई यार कोई चाय से रिलेटेड कोई शेयर हो जाए यार अच्छा और यार दो यार चलो हसन भाई यार हसन भाई बैग में चा पीती उजड़ी बस पोसी जद सोने ने हाके नदी भाई आप भी कुछ कोई एक हाजिरी आप भी दे दे चलो ठीक है यार बस ठीक हो गया A few moments later. जी तो जनाब फाइनली मैं घर आ चुका हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है यार हम देखो चैलेंज पूरी रात का मैंने कंप्लीट कर ली है और अब आपका इतना तो बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और ये मेरे बाल टोपी पहनी हुई थी मैंने सर पे और मेरे बाल देखो अजीब से हुए हैं बाकी आप लोग सोच रहे हो कि यार इतना सुनसान क्यों है ये क्योंकि पता ना फिर आकर भाई अभी भी आए घर बाकी सारे भी सोरे बेच के सुकून से सो रहे हैं और मैं यहाँ पे आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक है बाकी जो मैंने चैलेंज किया था वो मैंने पूरा किया है ठीक है बाकी अब आपका इतना बनता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा है और प्यारा सा कमेंट करो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़